गोला थाना क्षेत्र मल्हान पार स्थित अभिषेक स्वीट हाउस के दुकान से 5,000 का घूस लेते हुए एंटी करप्शन की टीम ने कोड़ीराम स्थित श्रम विभाग के कनिष्ठ सहायक यशवंत सिंह रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन प्रभारी के अनुसार तेज बहादुर पाल मालनपार में मिठाई की दुकान चलाते हैं, जिनकी दुकान पर चेकिंग के नाम पर लिपिक यशवंत सिंह सुविधा शुल्क के नाम पर 5,000 रुपये मांग रहे थे, जिससे त्रस्त आकर दुकानदार तेज बहादुर ने एंटी करप्शन टीम को सूचना दी, जिसको संज्ञान में लेते हुए सोमवार को एंटी करप्शन की टीम प्रभारी ACO JP पांडे के नेतृत्व में टीम ने 2 गवाहों डॉक्टर OP राव और KK श्रीवास्तव के साथ दुकानदार से श्रम विभाग में कार्यरत यशवंत सिंह को फोन करके पैसा देने की शिकायत किया, जिस पर यशवंत सिंह ने RTO स्थित एक पान की दुकान पर पैसा देने को कहा, लेकिन उसके बाद दोबारा फोन करने पर वो खुद रकम लेने RTO कार्यालय के पास पहुंच गया, जहां टीम ने 5,000 रुपये नगद दुकानदार से घूस लेते हुए रंगे हाथों तो गिरफ्तार कर लिया और कैंट पुलिस को सुपुर्द कर दिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आरोपी यशवंत सिंह दुकानदार तेज बहादुर पाल और एंटी करप्शन टीम के प्रभारी ACO JP पांडे ने बताया। अभिषेक स्वीट हाउस मालहन पार, इन्होंने 15 तारीख को हमारे दुकान पे यशवंत सिंह श्रम विभाग के अपने आप को बड़े बाबू बताएं, इन्होंने दुकान पे रुके और एक लड़का नाश्ता कर रहा था, उसको बाहर बुलाकर क्या पूछे नहीं पूछे हमको नहीं मालूम है। लड़का उसके बाद नाश्ता करके चला गया, लड़का कहाँ का था कहाँ का नहीं ये भी हमको नहीं जानकारी है। उसके बाद हमारे पास आए और बोले तुम लड़के से काम करा रहे थे और तुमको जेल भेज देंगे, नहीं तो 5,000 रुपया लेकर के गोरखपुर हमसे मिलो। कब का मामला है? ये 15 तारीख का मामला है। एप्लीकेशन में हमने शिकायत किया तो, नहीं दुकान बुला कर नहीं, पैसा लेकर के गोरखपुर बुलाए थे हमको। इसका यशवंत सिंह श्रम विभाग वरिष्ठ आयुक्त का, वहाँ पर हमें वहाँ के इंचार्ज हैं और एक चपरासी है मेरा थोड़ी मान में। मामला कुछ नहीं सर, जो हमको बुलाया गया 2-3 बार, हमको बुलाने के बाद हमारे हाथ में पैसा दे रहा है, तो हमने कहा कि इस तरह से क्यों जो है दे रहा है, क्यों जो है हमको और भी लोग थे हमारे साथ पकड़ने, पैसा हमने मांगा ही नहीं था। उनको केवल लगा किए थे कि आप छोटे बच्चे से काम करवा रहे हैं, उनको जो है आप हटा दीजिए। ये पाल जी के मिठाई की दुकान थी, हाँ छोटे बच्चे काम कर रहे थे, 2 बच्चे काम कर रहे थे, हमने उनसे इतना ही कहा कि टीम उम आएगी तो दिक्कत हो जाएगी, आप इसको भगा दीजिएगा, बस यही सब चीज़ें हैं कि अगर आप रखिएगा ना छोटे बच्चों को, नहीं पैसा नहीं मांगा था उनसे नहीं। वहाँ उन्होंने ज़बरदस्ती हमको बुला करके 2-3 दिन से फ़ोन कर रहे थे, तो हम आपको जो है साहब को दे दीजिएगा चाहे हमको छोड़ दीजिएगा, हमको कोई हम कहें आपको क्यों परेशान करेंगे, हमको कोई दिक्कत तो है नहीं भाई, आपको आगाह किए हम आप छोड़ दें। और वो कह रहे थे कि अरे सब कुछ मिठाई उठाई खाने तो उसके हैं, तो उसके बाद उन्होंने हमको तो जबरदस्त हम कहे कि आप अदर भाई इस बच्चे को नहीं कहा था बच्चा, तो उसके घर वाले रहते। जगदीश प्रसाद पांडे निरीक्षक प्रभारी ACO इकाई गोरखपुर। हाँ सर, 2 दिन पहले श्री तेज बहादुर मौर्या पाल हरपुर के शिकायत किए कि जो है ये श्रम विभाग के बाबू जो कोड़ीराम में तैनात हैं और हमारी दुकान पे आते हैं, बराबर हमको तंग करते हैं तब पैसा मांगते हैं। तो इस संबंध में यशवंत सिंह ने शिकायतकर्ता से 5,000 रुपये मांगा कि दो तो हम तुम्हारी दुकान पे नहीं आएंगे ना तुम्हें तंग करेंगे, रिश्वत मांगे। तो उसने पहले कहा कि हम साहब नहीं दे पाए, चाय पान की दुकान इतना कहाँ पैसा हमारे पास है। फिर उसके बाद काफ़ी परेशान करने लगे, तो आज वो 5,000 रुपया जब मांगे यहाँ पे इस पे RTO ऑफिस पास यहीं बुलवाए, वो लेके आया तो यहीं रंगे हाथ पकड़े गए और वो 1:30 बजे आज गिरफ्तार किए गए, 5,000 रुपया लेते रंगे हाथ।